दोस्तों, अब यहाँ के कर्ता धर्ता हम हैं। हेलो मेरे भाई लोग, यार आपने प्रीव्यू तो देख लिया होगा, ये एकदम भाई न्यू ट्रेंड आ चुका है। तो मेरे भाई लोग, इस तरह की इमेजेस एंड पिक्चर कैसे क्रिएट करना है, गर्ल हो या बॉय किसी के लिए भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे भाई, मैं हर बार बोलता हूँ यार, वीडियो को एंड तक देखना तभी आपको पूरा समझ में आता, थोड़ा बहुत आप स्किप करते हो तो मेरे भाई आप वीडियो समझ नहीं पाते, फिर बोलते भाई मेरे से नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा। तो देखो मेरे भाई, वीडियो को एंड तक देखना तभी आपको पूरा समझ में आएगा। अब की बार मैं आपको गूगल से बना के दिखाऊंगा। हर बार माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन ओपन करता था तो मैं आपकी बार गूगल से भी आपको मैंने बता दिया था लॉगिन कैसे करना। आपको लॉगिन करना नहीं आता था तो मैंने पहले बोला था भाई लॉगिन कर लेना, तो वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, उस पर मैं गूगल को ओपन कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको विंक एआई जनरेटर सर्च कर देना, और यहाँ पे देखोगे मेरे भाई, यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट जो भी देखने को मिलेगा मैम उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आपको क्रोम पे ले जाएगा। एंड यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। मैंने बोला था भाई अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना, आपने मैंने वीडियो बना दिया था तो वीडियो लॉगिन नहीं किया, तो भाई अभी कर लो वीडियो को देखकर। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पड़ी है, लिंक पे क्लिक करके जाओ, वीडियो देखो एंड लॉगिन कर लो। अब मेरे भाई इस पे देखो, यहाँ पे क्या करना, हमें यहाँ पे कौन सा टेक्स्ट देना, जो भी टेक्स्ट देना मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, तो आपको भी पता होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पे टेक्स्ट मिल जाएगा। एंड मेरी लिंक वगैरह है वो तो आपको पता है वर्क नहीं कर रही, तो इसलिए मैं बोलता भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम को देखो क्या करना, आपको टेलीग्राम पे आना और वहाँ पे आपको सर्च कर देना, सर्च बार पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको सर्च कर देना ऑफिशियल दिनेश एच बी कुछ ये वाला अकाउंट आ जाएगा, तो इसको हमें ज्वाइन कर लेना, ठीक है मेरे भाई। तो आपको ज्वाइन कर लेना, तो हम वहीं पे आपको ज्वाइन कर लेना, वहाँ से भी बहुत सारा मटेरियल आपको देखने को मिलेगा, ऐप वगैरह। तो यहाँ पे हमें क्या टेक्स्ट देना देख लो, यहाँ पे टेक्स्ट मैं है कॉपी कर रखा हूँ, उसको मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे ध्यान से देख लो उस पर क्या चेंजेस करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको देख लेना, यहाँ पे मेरा नेम लिखा है, वहाँ पे आपको अपना नेम लिख सकते हो, ठीक है, गर्ल हो या बॉय जिसके भी लिए वो अपना नेम लिख सकता। और यहाँ पे देखो फर्स्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्रिएट ए नो, ठीक है। तो नो की जगह हमें क्या करना मेरे भाई, यहाँ पे ध्यान से देख लो, यहाँ पे क्या लेगा क्रिएट ए नो, तो यहाँ पे हमें क्या कर देना, यहाँ पे जो नो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे नो पे इसको मैं हटा दे रहा हूँ। यहाँ पे हमें लिख देना 3D, ठीक है, 3D लिख देना। एंड मैंने लिख दिया यहाँ पे 3D, आपको भी ऐसा लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पे देखना मेरे भाई, यहाँ पे 3D लिख गया, आप देखना यहाँ पे आपको क्या लिखा है, आगे आना, यहाँ पे देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपको लिखा पिक्चर वेयर ए, ठीक है, मैन की जगह आपको हटा के MAN को हटा के यहाँ पे आपको क्या लिख देना, बॉय, ठीक है, बॉय हो या गर्ल जो भी लिखना वो लिख देना, ठीक है, गर्ल लिख दो, बॉय हो तो बॉय लिख दो, तो मैंने लिख दिया बॉय, ओके। यहाँ पे मेरे भाई मैं जो बोलता हूँ उसको चेंजेस करना है आपको, ठीक है, तो यहाँ पे बॉय लिख दिया। अब मेरे भाई क्या करना, आपको आगे आना और यहाँ पे आपको देख लेना, यहाँ पे लिखा दिखेगा आपको विंग बैक, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा देगा विंग बैक पे आगे यू, ठीक है, तो यू की जगह आपको लिख देना, यहाँ पे यू को हटा के यहाँ पे लिख देना मेरे भाई चेयर, ठीक है। तो आपको ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखना, चेयर लिख देना, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया चेयर, ठीक है, चेयर मतलब कुर्सी, ठीक है, आपको चेयर लिख देना। एंड मेरे भाई आप मतलब बॉय हो गर्ल तो मैंने बता दिया क्या करना, तो यहाँ पे हमें क्या करना, मेरे पास तो अभी देखो सकते हो यहाँ पे जो सिक्के होते हैं वो भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो भी हमारा ये क्रिएट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करने के बाद देखो, अभी बस थोड़ा सा वेटिंग लेगा। एंड मेरे भाई जब तक क्रिएट हो रही हमारी पिक्चर, तो जब तक आप मेरे भाई सिंपली लाइक से सब्सक्राइब कमेंट कर ही दो यार। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तब तक भाई कर दो जो मैं बोल रहा हूँ। एंड यहाँ देख सकते हो अभी बस पिक्चर चले आ जाएंगी, बस थोड़ा सा वेटिंग लेगा, कोई दिक्कत नहीं आपके पास। तुम सोचते भाई मेरे पास सिक्की नहीं है तो क्रिएट नहीं होंगी, तो हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, होंगी ऐसे भी होती हैं, ठीक है। तो ये सिक्के आपको मिलते रहते हैं कुछ टाइम बाद, तो यहाँ पे सिंपली आपको देख लेना। एंड ये देखो बस थोड़ा सा टाइमिंग लेगा, मैंने बोला ना बस टाइमिंग ही लेगा, एंड सिक्की नहीं है उस, बस थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। यहाँ पे अभी बस देखते हैं क्रिएट हो रही है, एंड यहाँ पे क्रिएट तो हो रही है, देख सकते हैं अभी, ये देख सकते हो मेरे भाई, ये हो चुकी क्रिएट हमारी पिक्चर। तो आप देख लो मेरे भाई, जो आपको पिक्चर अच्छी लगे वो आपको अपनी सेलेक्ट कर लेनी एंड डाउनलोड कर लेनी, ठीक। तो मेरे भाई आपको जो भी पिक्चर आपको अच्छा लगे वो पिक्चर आपको सेलेक्ट कर लेना है, और एंड डाउनलोड करना तो आपको आता ही होगा। तो पिक्चर पे सिंपली क्लिक करो और एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो आपको डाउनलोड कर लेना मेरे भाई, यहाँ पे क्या करते, अब हमें ओपन करना है एक VPN, जिसको मतलब वीडियो पे कन्वर्ट करना, तो अभी रुक जाओ VPN बाद में, पहले तो आपको अलाइट मोशन ओपन करना। एंड अलाइट मोशन भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना, सिंपली प्लस पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना, 9x16 ध्यान रखना। एंड यहाँ पे क्या करना,
प्लस मीडिया एंड उसी पिक्चर को सेलेक्ट कर लेना जो आपने डाउनलोड की एंड मैंने सेलेक्ट कर ली। इस बॉक्स पे क्लिक किया एंड डुप्लीकेट लेयर आपको कर देना है, ठीक है। ये देख सकते हो डुप्लीकेट लेयर होने के बाद आपको नीचे वाली पिक्चर को सेलेक्ट करके आपको ऊपर साइड थ्री डॉट ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करके मेरे भाई आपको यहाँ पे क्या कर देना फिल कॉम्बिनेशन एरिया एंड इस पर करने के बाद क्या करना नीचे वाली पिक्चर पर हमारा सेलेक्ट है इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाना एंड आई डिफेक्ट पर टैप करना, ब्लर वाले आइकन पर क्लिक करना सिंपली, यहाँ पे ब्लर लिखा और यहाँ पे सिंपली आपको गॉसियन ब्लर इफेक्ट सेलेक्ट कर लेना। स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करके ये देख सकते हो पीछे वाली पिक्चर पे हमारा ब्लर इफेक्ट लग गया है। मेरे भाई सिंपली हमें क्या करना फर्स्ट वाली फोटो पे क्लिक करके बॉर्डर एंड शैडो पे क्लिक करके इसका स्टॉक इनेबल कर देना। सिंपली आपको इसका जो भी कलर रखना है तो रख सकते हो, जैसे कि मैंने वाइट रख लिया, इसकी थोड़ी सी साइज को बढ़ा देना एंड ये देख सकते हो हमारी कुछ ऐसी हो चुकी है फोटोज़। अब मेरे भाई जैसे कि हम कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखना तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके ये देख सकते हो टेक्स्ट के आइकन पे क्लिक कर देना, जो भी आपको टेक्स्ट देना है तो लिख सकते हो। जैसे कि मैं इमोजीज दे दे रहा हूँ यहाँ पे दो से तीन और एंड इमोजीज पे एक कलर वाला बॉक्स देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको इस वाले बॉक्स पे क्लिक करना और एंड इसका सबसे जो नीचे का कलर है इसको आपको जीरो कर देना। बस सिंपली आपको राइट वाले कॉर्नर पर क्लिक करके ऊपर साइड आपको फंट वगैरह ऐड कर लेना जो भी फंट हो इमोजीज का एंड यहाँ पे सिंपली मैंने इमोजीज रख दी ऊपर साइड, मैं इसको रख देता हूँ। ये देख सकते हो मेरे इमोजीस यहाँ पे रख चुकी, तो सिंपली हमें इसको क्या करना अब इस फोटो को सेव करना, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एंड करंट फोर पीएनजी पे ऑप्शन पे क्लिक करके एक्सपोर्ट वाली आइकन पे क्लिक कर देना। सिंपली हम एक्सपोर्ट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, ये हमारी यहाँ पे फोटो सेव हो जाएगी, यहाँ से सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब मेरे भाई आपको एक वीपीएन की जरूरत पड़ेगी, कोई सी वीपीएन आप यूज कर लो, जैसे कि मैं सिक्योर वीपीएन यूज कर रहा हूँ और एंड कैपकट एप्लीकेशन, ठीक है। वीपीएन एंड कैपकट ये आपको मैंने बोला ना कैपकट वगैरह आपको सब मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा। सिंपली मैंने इस वीपीएन को ओपन कर लिया एंड कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ से कैपकट को ओपन किया मेरे भाई, देख लो यहाँ पे क्या करना, जो भी इफेक्ट मैं बता रहा हूँ वो आपको यूज कर लेना। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एडिट वाला ऑप्शन एंड टेम्पलेट, ठीक है। तो हमें टेम्पलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो हमने सिंपली टेम्पलेट पर क्लिक किया और ऊपर साइड आपको देखने को मिलेगा सर्च बार का ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है जो भी मैं बता रहा हूँ वो आपको सर्च करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है देखो एस, ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको सर्च करना स्लोमो पार्ट 304, ठीक है। मैंने सर्च किया यहाँ पे, क्या सर्च किया एस एल ओ, ठीक है। यहाँ पे जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सर्च करना एस एल ओ डब्लू एम ओ, ठीक है। एस एल ओ डब्लू एम ओ पार्ट पी ए आर टी पार्ट 304, ठीक है। 304 यहाँ पे मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जो भी देख लो, यहाँ पे सर्च पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा वेटिंग लेगा एंड टेम्पलेट हमारा ओपन होके आएंगे। ये देख सकते हो यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे हमारा कौन सा, ये फर्स्ट वाला हमें टेम्पलेट यूज करना है, ठीक है। इस टेम्पलेट पर मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर सिंपली आपको यूज टेम्पलेट पर क्लिक कर देना और यहाँ पर क्या करना आपको फोटोज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी फोटो सेलेक्ट कर लेना जिस फोटो को हमें एडिट करना है एंड यहाँ पर प्रीव्यू पर टैप कर देना। तो सिंपली अभी रोको, वेटिंग थोड़ा सा लेगा एंड ये देख सकते हो हमारी यहाँ पे वीडियो बना दिए एंड इसने तो देख सकते हो आप खुद ही। अब मेरे भाई इसको हमें सेव करना है एक्सपोर्ट वाले आइकन पे क्लिक करके एंड आपको इसकी मतलब क्वालिटी वगैरह बढ़ानी तो बढ़ा सकते हैं एंड डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है इसको आपको सेव एंड शेयर टिकटॉक इस पर क्लिक कर देना, सिंपली हमारी ये गैलरी पर सेव हो जाएगी। एंड मेरे भाई आपको एस्टेक आईडियो वगैरह करना तो आता होगा, तो यहाँ से हमें क्या करना इतनी हमारी सेव हो जाएगी गैलरी पे, तो आपको सेव कर लेना, ठीक है।